तो आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 4 जो क्लास 9th के आईटी के अंतर्गत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में जो है हमने इसे पहले भी बात किया था, लेकिन इस वीडियो में हम जो है डिटेल बात करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाले। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो एक बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने जो है विजुलाइज भी किया है, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक को लेकर हमने क्लियर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में और हमारे जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे हर रोज़ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के जो नेचर के बेस पे हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंट जो है जो मेथड है उसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई जो है सिंपल कैलकुलेशन है तो वहाँ पे हम जो है उंगलियों का उपयोग करते हैं, या हम जो है क्या करते हैं मेंटल कैलकुलेशन करने काम करते हैं कि जैसे हमको कोई अगर पूछ देता है कि 5 में 7 ऐड किए तो कितना हुआ, 12 हुआ। तो कुछ चीज़ों जो है बार बार उपयोग करने से हमारा जो है मेंटल कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई जो है लॉन्ग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन अब जब हमको आज के समय में हम देखते हैं कि उससे भी अगर कोई जटिल जो है यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गया, तो विज्ञान या साइंस या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में जो है कई सारे जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, यूज़र जो है अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, कहीं पर कैलकुलेटर, कहीं पर साइंटिफिक कैलकुलेटर, कई लोग जो है उंगलियों का उपयोग कर रहे हैं, कई लोग जो है मेंटल एबिलिटी का उपयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसा एप्लीकेशन आया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जिस टूल के यूज़ से हम क्या कर पाए, सभी प्रकार की जो है कैलकुलेशन आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कर पाए। तो ये बेनिफिट हुआ हमको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से। तो जब हम बचपन में आपने जब जो है मैथमेटिक्स का जब प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको उस समय जो है रो और कॉलम के साथ जो सेल बना हुआ आपको नोटबुक दिया गया होगा, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा होगा। तो वहाँ से हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो है शुरुआत है। तो आपने उस समय भी देख लिया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैसे होता है। तो डेटा को जो है ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करने के लिए जो है यहाँ पे हमने क्या किया, उस समय जो है किसका उपयोग किया, स्प्रेडशीट का उपयोग किया। लेकिन वो स्प्रेडशीट जो है मैनुअल स्प्रेडशीट था, लेकिन हम कंप्यूटर में जब यहीं पे कंप्यूटर में जो रो और कॉलम से बना हुआ जो लॉन्ग शीट रहेगा जिसमें डेटा का एनालिसिस कैलकुलेशन किया जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लाइंस भी होते हैं और डेटा जो है रो और कॉलम के फॉर्म में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका उपयोग जो है मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट, जनरेटिंग इनवाइस, डेटा एनालिसिस फ्रॉम द साइंटिफिक एंड स्टैटिक रिसर्च, और डेटा के जो है डिफरेंट जो है कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो इतने सारे जो है प्लेसेस में आज जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग किया जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, और साथ ही साथ जो है ग्राफिकल वे में अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसको भी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। अब यूज़र के लिए डेटा को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है, उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, कैलकुलेट भी कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है, और साथ ही साथ जो है उसके हिसाब से जो है अपना डिसीजन भी बना सकता है। जैसे मेरे अगर क्लास में जो है अगर 50 स्टूडेंट है, तो मैं अगर चाहता हूँ 50 स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट जो है बी कैटेगरी में है या ए प्लस कैटेगरी में है, तो मैं आसानी से उसको क्या कर सकता हूँ, डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं कि यूज़र के डेटा इंटर करने के अलावा भी जो है हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है हमको क्या करता है, स्प्रेडशीट पैकेज भी प्रोवाइड कराता है, कुछ बिल्ट इन फार्मूला या फंक्शन हमको प्रोवाइड कराता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को आसानी से जो है परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कई सारे फंक्शन, कई सारे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐड करना है तो आसानी से किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, डिवीजन किया जा सकता है, साथ ही साथ जो है
दूसरे सेल का जो डेटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तब समझ आएगा जब हम इसका कंटिन्यू जो है उपयोग करेंगे, आगे के जो आने वाले वीडियो रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक जो है आसानी से समझ आते जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वाइड यूज जो है डेटा को एनालाइज करने और अकाउंटिंग एप्लीकेशन में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, यूनिवर्सल प्रोग्राम को के थ्रू जो है डेटा के को जो है रिप्रेजेंट कर सकता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। इसलिए जो है आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग जो है डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में जो है 20 ओवर या 50 ओवर को एक ही स्लाइड में आपको दिखाते हैं, समझ भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है वो डेटा जो है आपको एक ऑर्गेनाइज ग्राफिकल वे में दिखाई देता है, तो ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने से डेटा जो है आसानी से समझ आ जाता है, और जो कम जानता हो किसी फील्ड के बारे में उसको भी डेटा के बारे में आसानी से समझ आ जाता है। अब आज के समय में देखते हैं जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कई सारे प्लेसेस में जो है बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना जो है मुश्किल होते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से डेटा को जो है वर्क बुक के रूप में क्या किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आज के समय में जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग जो है विभिन्न जो है प्लेसेस में किया जा रहा है। अब इससे जो है डिफरेंट एक्टिविटी को जो है क्या किया जा सकता है, एक्यूरेसी के साथ और साथ ही साथ एफिशिएंसी के साथ किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ हम एप्लीकेशन जिसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेबुलेशन ऑफ डेटा किया जा सकता है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के माध्यम से, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं फार्मूला एंड फंक्शन के माध्यम से, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा को हम जो है अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टरिंग द रिक्वायर्ड डेटा, आपके डेटा को जो है फिल्टर कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमने बताया कि आप जो है लेस देन ग्रेटर देन जैसा भी आप चाहते हो डेटा को क्या किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है, या फिर ए से स्टार्ट होने वाले जो नेम है इसको फिल्टर करना चाहिए ये भी कर सकते हैं, चेक द वैलिडिटी ऑफ डेटा, डेटा की वैलिडिटी को आप चेक कर सकते हो कि अगर किसी सेल में अगर नंबर ही इंटर करना है तो ये भी आप जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग पासवर्ड, आप जो है अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के जो फाइल है वहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं, सेविंग और फ्यूचर यूज, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक बार क्रिएट किया तो आप फ्यूचर के लिए इसको सेव करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसके माध्यम से जो है हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जो भी फेमस है, जैसे हमने यहाँ पे जो है इस हमारा जो बुक के अंतर्गत दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका भी उपयोग जो है आप कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस तो आपका दिया ही हुआ है, ओपन ऑफिस कैल्क का उपयोग कर सकते हैं, एप्पल इंक नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अलग अलग नेम है, लेकिन सबका जो पर्पस है काम करने का वो सेम है। तो यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल टॉपिक जो है स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेटिंग स्टार्ट विथ लिब्रर ऑफिस कैल्क। तो देखिए यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप के जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन हम जो अभी जो इस यूनिट के अंतर्गत या आपके बुक में जो दिया हुआ है वो है लिब्रर ऑफिस कैल्क के बारे में। तो ये जो स्प्रेडशीट है वो पार्ट है लिब्रर ऑफिस सूट का, तो लिब्रे ऑफिस सूट जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया है गेटिंग स्टार्ट लिब्रर ऑफिस कैल्क, तो हम जो है स्टार्ट करेंगे लिब्रर ऑफिस कैल्क को। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट करते हैं वो लिनक्स में भी काम करता है, वो आपके विंडोज में भी काम करता है। अगर आपके पास जो है अगर विंडोज लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का उबंटू है, तो आप जो है डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट जो एप्लीकेशन आपको अलग अलग कंपोनेंट के रूप में दिखाई देगा, जैसे राइटर है, कैल्क है, इंप्रेस है, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास अगर जो है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको ऐसा मेन्यू आपको दिखाई देगा। तो हमारे पास जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये विंडो 10 का व्यू दिखाई दे रहा है, मेरे पास जो है विंडो 8 है तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसको ओपन करके देखना है लिब्रर ऑफिस कैल्क कहाँ पे दिखाई देता है, और स्टार्ट करने के बाद जो ये बाकी सारे जो ऑप्शन है इसमें कौन कौन से इंटरफेस होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लिब्रर ऑफिस कैल्क को। तो मैं चले जाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो लिब्रर ऑफिस कैल्क जो है इंस्टॉल है यहाँ पे है, मैंने इसको शॉर्टकट बना के रखा है, लेकिन अगर आप पूरे एप्लीकेशन को देखना चाह रहे हैं
कहां यहां पे एप्स में जाएंगे तो हमको लिब्रर ऑफिस कैल्क का यहां पे पूरा एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। जैसे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या आता है तो लिब्रे ऑफिस बेस आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क आता है, लिब्रे ऑफिस ड्राइंग आता है, इम्प्रेस आता है, मेस आता है, राइटर आता है। तो अभी हमारा काम है लिब्रर ऑफिस कैल्क का, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक जैसे ही करूंगा कुछ समय बाद जो है मेरा ये लिब्रर ऑफिस कैल्क का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लिब्रर ऑफिस जो कैल्क है वो ओपन हो गया। हो सकता है तो फर्स्ट टाइम में आपको लोड होने में कुछ समय ले सकता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो बड़ा एप्लीकेशन होता है। आपके सिस्टम का जो है रैम और जो है आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा उसके स्पीड के आधार पर। तो ये फर्स्ट टाइम में आपके पास कुछ टिप्स आएगा, आप इस टिप्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो लिब्रर ऑफिस के बारे में बहुत सारे टिप्स, अगर आप नहीं करना चाहते तो वे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है लिब्रर ऑफिस कैल का जो है इंस्टॉल कर लिया है और इसको स्टार्ट भी कर लिया है। अब इसके इंटरफेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लिब्रर ऑफिस कैल का जो इंटरफेस है यहाँ पे, तो हमको क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस ऊपर में आपको अलग दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारे हमारे इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस हमको जो है डिफरेंट एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं और यहाँ पे हमारा क्या काम है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये जो होता है ये होता है आपका ये जो सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोला जाता है, ये जो रहता है इसको टाइटल बार बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है टाइटल TITLE टाइटल बार, तो टाइटल बार क्या शो करता है, आपका जो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका टाइटल क्या है, तो ये टाइटल बार हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइटल बार के बाद जो है एकदम इत्मीनान से जो है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपके सारे टॉपिक जो है अभी सारे इंटरफेस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इसमें काम करना है तो इसके इंटरफेस को भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इंटरफेस नहीं समझे रहेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइटल बार के बाद यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे माइनस और आपका जो है क्लोज का जो सिम्बॉल रहता है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंट्रोल बटन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंट्रोल बटन। तो एक एक करके हम यहाँ पे कंट्रोल बटन क्या करते हैं, हमको जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो है क्लोज करने का ऑप्शन, यानी हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज करना, तो ये जनरली हर एक एप्लीकेशन में होता है, टाइटल बार भी होता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी रहता है जो हमको कंट्रोल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एक हमारे पास जो है रिबन होता है, तो रिबन से पहले यहाँ पे एक जो है ये वाला जो एरिया हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। ये वाला जो एरिया रहता है यहाँ पे फाइल से लेकर पूरा, तो ये वाला जो एरिया रहता है इसको बोला जाता है रिबन। इसको क्या बोला जाता है, इसको पूरे एरिया को बोला जाता है रिबन। तो एक जो है सेपरेट बार बनाया गया है, इसको बोला जाता है रिबन। तो ये वाला जो एरिया रहेगा उसको बोला जाता है रिबन बोला जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट रहता है यही जो है हमारा जो है बहुत सारे जो जितने भी हमारे जो फॉर्मूला फंक्शन जो भी हम अप्लाई करेंगे हम यही रिबन वाला जो एरिया है यही हमारा जो है मेन जो है जितने भी फंक्शन अप्लाई करना रहेगा जो भी अप्लाई करेंगे वो हमारा जो है ये क्या कहलाएगा, रिबन कहलाएगा। वहीं पे अगर हम दूसरा पार्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाला जो एरिया है ये जो है वर्किंग एरिया कहलाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है रिबन और ये जो कहलाएगा ये वर्किंग एरिया है, क्योंकि यहीं पे हम जो है सारा काम करेंगे, तो ये कहलाएगा वर्किंग एरिया। तो ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम काम करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम जो है रिबन वाले एरिया को समझ लेते हैं, रिबन वाले एरिया में क्या क्या दिया रहता है। तो रिबन वाले एरिया में हम सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला जो एरिया है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई ना दे, ये फाइल से लेकर हेल्प तक ये सारे ऑप्शन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मेन्यू। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मेन्यू। तो ये मेन्यू है। अब इसमें जो है फाइल से लेकर डिफरेंट मेन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक मेन्यू का जो है हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे, अभी आपको केवल ये समझा देते हैं कि ये है क्या। अब जो है आपको रिबन का जो ऊपर का जो मेन्यू है, मेन्यू के जस्ट नीचे में आपको आ जाता है यहाँ पे ये वाला जो एरिया रहेगा इसको बोला जाएगा टूल बार। ये वाला जो एरिया रहेगा वो कहलाएगा टूल बार। तो ये टूल बार वाला एरिया है जहाँ पे आप जाके कुछ भी क्या कर सकते हैं, टूल बार में जाके जो भी फंक्शन अप्लाई करना रहेगा वो आपका जो है टूल बार के थ्रू जो है आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो टूल बार के बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे में जब आ जाते हैं तो ये वाला जो एरिया रहेगा उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार।
तो ये वाला जो एरिया रहेगा उसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये हमको फॉर्मेट करने का जो है फंक्शन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार, तो टूल बार जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर जो है स्टैंडर्ड टूल बार है, नीचे जो है फॉर्मेटिंग टूल बार है, जहाँ पे आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे, आपको जो है ये जो है केवल आपका जो है लिब्रा ऑफिस कैल्क में दिखाई देगा, ये वाला जो है नेम बॉक्स कहलाता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया रहेगा इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो ये नेम बॉक्स हो जाएगा। नेम बॉक्स के बाद जो है हम इसके यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अगर आपको कोई फंक्शन, देखो फार्मूला को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन भी बोला जाता है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन, तो अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो रहेगा ये तो हो गया, हम अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो इसके अंदर जो फंक्शन है, जो फार्मूला है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया फंक्शन। अगर आप चाहते हो खुद से अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको बोला जाता है फार्मूला। तो इस यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है ये कहलाता है फार्मूला बार। इसको क्या बोला जाता है, ये फार्मूला बार है, जहाँ पे आप खुद जाके जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि आप जो है इसको क्या करेंगे, जब पहली बार जब इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको आसानी समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कौन सा कहाँ पे होता है। तो अब देखो नेम बॉक्स के बारे में हमने बताया, लेकिन नेम बॉक्स का काम क्या रहता है, जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं उसका जो एड्रेस रहेगा, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो दो चीज़ होता है इसमें, होता है एक रो और एक होता है कॉलम। तो ये वाला जो रहता है इसको सीधा लाइन को अगर हम यहाँ पे बोले तो इसको बोला जाएगा कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। वहीं पे जब हम इसको इधर से जाते हैं तो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। तो एक्चुअल में जो सेल जो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये सेल बनेगा। आपको दिख रहा होगा जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे C6 आ रहे हैं, तो C6 एक्चुअल में जो है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे C और इधर से 6, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल का एड्रेस बनेगा वो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। तो इसको बोला जाता है कॉलम और इसको बोला जाता है रो। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा जो है कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सेल बन रहा है, और सेल में ही हम क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हमको और समझना पड़ेगा कि जिस सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जिस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका नेम एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ सी, इसको और बड़ा कर देते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ A2 आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो B3 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली नेम बॉक्स में चेंज होते जा रहे हैं। तो जिस सेल को मैंने सेलेक्ट करके रखा है उसी सेल में ही मैं डेटा को इंटर कर पाऊंगा। तो ये वाला जो सेल जिसमें मैं डेटा इंटर कर रहा हूँ वही सेल हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। तो जिस सेल को हम करेंटली सेलेक्टेड सेल जो रहता है वो एक्टिव सेल होता है, जिसमें ही हम क्या कर पाएंगे, डेटा को इंटर कर पाएंगे। जब भी फॉर्मूला फंक्शन जो भी अप्लाई करना रहेगा वो एक्टिव सेल में जाके ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल जो दिया रहता है, वर्टिकल अगर लाइन को आप वर्टिकली स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, ये जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिया रहता है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। तो और इसके अलावा जो है हम नीचे आ जाते हैं, तो ये वाला जो एरिया रहता है जिसको हमको सीट टैब बोला जाता है, सीट टैब, ये एक्चुअल में क्या होता है, नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो नीचे जो है आपको C1 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो रहेगा इसको बोला जाता है सीट टैब। इसको क्या बोलते हैं, सीट टैब। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर अभी नंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है 1 सीट रहता है, वहीं पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिया रहता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके जो है नंबर ऑफ सीट जो है इंक्रीज कर सकता हूँ मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना सीट आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो है जो आपको दिख रहा होगा, ये कॉलम का जो वैल्यू रहता है वो अल्फाबेट्स में होता है, इसको भी आपको याद रखना है। वहीं पे जो रो का जो वैल्यू रहता है वो न्यूमेरिक होता है 1, 2, 3 से, इसी के कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, सेल एड्रेस बना है, जिसको सेल रेफरेंस भी बोला जाता है। तो जो सेल का जो एड्रेस रहता है उसको सेल रेफरेंस भी बोला जाता है या सेल एड्रेस भी बोलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक जो है आपके एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जूम कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया रहता है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं जूम जो है मिनिमम जो है यहाँ से
आप जो है जूम को कम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 20% लेस कर सकते हो, यानी 20% तक जूम कर सकते हो, जो जिससे सेल का जो साइज है बहुत छोटा हो जाएगा। वहीं पे अगर आप जो है सेल के साइज को बड़ा करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप जूम कर सकते हो, और मैक्सिमम जूम इन जो हो सकता है वो 400 तक हो सकता है। यहाँ से हम जो है 400 तक जूम इन कर सकते हैं, यानी किसी कंटेंट को बड़ा करके देखना, जैसे मैंने टाइप किया है अब ये बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको मैं क्या करूँगा, इसका साइज को जूम आउट करूँगा तो ये साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जूम आउट करके और जूम इन करके सेल के जो वैल्यू है उसको आप देख सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा विजुलाइज करने में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो है आपका स्टेटस बार यहाँ पे नीचे में दिखाई देता है। डिफॉल्ट का मतलब अभी आपका आप जो है काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे काम करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा स्टेटस जो है एक्टिवेट होना चाहिए। तो डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे एक्टिवेट है, आप इस सीट में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारा इंटरफेस समझा और साथ ही साथ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना कि लिब्रल ऑफिस कैल्क के अंतर्गत क्या क्या काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आगे के हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक जो है सीट भी बना के देखेंगे और कैसे डेटा इंटर किया जा सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो जो इससे बाद जो वीडियो रहेगा उसमें हम जो है इसके बारे में और जो है डिटेल डालने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।